गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैल शाह तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ ठीक है एंड यहाँ पे पीछे किसी का कमेंट आया था कि मैम क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंग्लिश में रखिए तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम है डिस्कशन आपका हिंदी मीडियम में ही रहेगा लेकिन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी ठीक है क्लास अच्छी लगे तो लाइक like, शेयर जरूर करना तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे है वट इज प्लेस्ड एट दी होरिजोंटल बार हो रिजोनटल बार के लेफ्ट में आपको क्या दिखाई देता है बार कितने होते हैं दो होते हैं कौन कौन से होते हैं होरिजोनटल बार ये आपका होरिजोनटल बार एक होता है आपका वर्टिकल बार होरिजोनटल बार के लेफ्ट में आपको क्या दिखाई देता है होम इंडिकेटर्स कंट्रोल टैब या व्यू बटन तो होरिजोंटल बार के लेफ्ट में हमें दिखाई देते हैं व्यू बटन तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है

ये आपको वर्टिकल स्क्रोल बार के टॉप में दिखाई देता है एंड होरिजोनटल स्प्लिट बार को आप देख सकते हो व्यू के ऊपर क्लिक करें व्यू ग्रुप में एंड वहां पे आप जाए व्यू टैब के स्प्लिट मेन्यू में कहां पे जाना है आपको व्यू टैब के स्प्लिट मेन्यू में जब जाएंगे तो आपको होरिजोंटल स्प्लिट बार दिखाई देगा आप इसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं वहीं से विच ऑफ अलाइनमेंट कैन नॉट बी प्लेस्ड वेहर स्टॉप्स देखो अलाइनमेंट कौन सी है यहाँ पे डेसिमल अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट बार अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट जब हम टैब स्टॉप कर देते हैं तो आप कौन सी अलाइनमेंट को नहीं यूज कर सकते तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट डी जस्टिफाई अलाइनमेंट हम यूज नहीं कर सकते जब आपका टैब स्टॉप हो जाता है वट परपज डू बुक मार्क्स सर्व बुक मार्क्स क्या होती है टू सेव द डॉक्यूमेंट इन ए स्पेसिफिक लोकेशन

ऑटो करेक्ट एज यू टाइप ऑटो चेंज एज यू टाइप ऑटो इग्नोर एज यू टाइप ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप ठीक है इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप अब आंसर आपको पता है लेकिन क्या आपको स्ट्रेट कोटेशन और स्मार्ट कोटेशन के बीच का डिफरेंस पता है तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट कोटेशन और स्मार्ट कोट्स क्या होते हैं देखो मैंने सिंपल ये कोट्स लगा दिए ये क्या हो गया मेरा स्ट्रेट कोट्स हो गए और जब मैं इनको इस तरह से थोड़ी डिजाइनिंग में कर के साथ इस तरह मेंशन करती हूँ तो ये मेरे स्मार्ट कोट्स होते हैं ठीक है कर् में जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये राइट right साइड में इसका फेस ओपन है यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड में फेस ओपन है ये आपके क्या है स्मार्ट कोट्स एंड सिंपल स्ट्रेट लाइन ये क्या हो जाती है आपकी स्ट्रेट कोट्स हो जाती है स्ट्रेट कोट्स आप कैसे यूज कर सकते हो ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप इस फंक्शन का हम यूज करके स्ट्रेट कोटेशंस को टाइप करते हैं वट डज कंट्रोल प्लस डी डू कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का क्या काम है टू एड द डायलॉग फोल्डर बुक मार्क ऑफ द यू आर एल इज एडिड एंड ऑल्सो कंटेंट्स कैन बी ओवर रिटर्न इन गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू इंसर्ट एनी सब फोल्डर इन डेस्कॉप टू सेव एनी यू आर एल इन दिस्टम तो यहाँ पर देखिए जो कंट्रोल प्लस डी है पहला इसका काम ये है कि ये जो बुक मार्क है उसको एड करता है बुक माह ऑफ दू आर एल इज एडिड ठीक है पहला तो ये हो गया सेकेंड यहाँ पे कहता है कंट्रोल प्लस डी आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में में है को डुप्लीकेट क्रिएट करने यूज होता है क्या करने में यूज होता है डुप्लीकेट कंटेंट को क्रिएट करने में यूज होता है तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा वट डज कंट्रोल प्लस जी डू कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का क्या काम होता है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी जो है वो आपका गो टू टैब इज एक्टिवेटेड वाइल द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज ओपन विद द फाइंड टैब सिलेक्टेड लॉन्च द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट द रिप्लेस टैब टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लॉन्च द गो टू डायलॉग बॉक्स देखो सबसे पहली बात जो कंट्रोल प्लस जी है वो ओपन तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही करती है लेकिन जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है उसमें तीन ऑप्शन होते हैं फर्स्ट होता है फाइंड सेकेंड होता है रिप्लेस एंड थर्ड होता है गो टू फाइंड वाला एक्टिवेट होगा जब आप कंट्रोल एफ यूज़ करेंगे रिप्लेस वाला एक्टिवेट होगा जब आप कंट्रोल एच यूज़ करोगे एंड गो टू टैब एक्टिवेट होगा जब हम कंट्रोल प्लस जी यूज़ करेंगे तो यहाँ का यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच इज़ यूज फॉर अब कंट्रोल प्लस एच ऊपर मैंने अभी बताया कि रिप्लेस को एक्टिवेट करता है रिप्लेस ऑप्शन को क्या करता है ये एक्टिवेट करता है एंड इसका काम क्या है कोई भी एक टैक्सट को फाइंड करो एंड उसको किसी दूसरे टैक्स से क्या कर दो रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट दी इंसर्ट हाइपर लिंक टैब तो ये नहीं है एक्टिवेट दी फाइंड रिप्लेस डाइलॉग बॉक्स टू डिस्प्ले एक्सेस टैब ये भी नहीं है विद द फाइंड टैब सिलेक्टेड लॉन्च रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ये भी नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन पे करेक्ट हो जाएगा looked ऑफ using बी Find एट यूजिंग द symbol, टैब फॉर्मेट कैरेक्टर्स above. ऑल ऑफ tab का यूज करके क्या क्या सर्च कर सकते हो तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो फॉर्मेट कैरेक्टर सिंबल्स तो ये तीनों चीजें आप सर्च कर सकते हो तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा पेज और फुटर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली जो और फुटर होते हैं ना हैडर आपका टॉप में होता है फुटर आपका पेज के बॉटम में दिखाई देता है तो क्वेश्चन है कि कौन से पेज का हैडर और फुटर ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है फर्स्ट पेज का लास्ट पेज का ऑल्टरनेट पेज का या सभी पेज का तो देखो हैडर और फुटर आपका ऑटोमेटिकली सभी पेजेस का प्रिंट होता है तो एवरी पेज विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउज यू टू ऑल्टर साइज स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन अबो आपको क्या करना है फ़ॉन्ट साइज को चेंज करना है कौन सा टूल बार यूज करोगे फॉर्मेटिंग टूल बार यहां पे यूज होगा अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ़ द फॉलोविंग फंक्शन की इज़ यूज फॉर डूंग द स्पेलिंग चेक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हो जाता है ये कि स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है एफ टू एफ फोर एफ सेवन या एफ नाइन तो एफ सेवन आपकी क्या होती है स्पेलिंग चेक के लिए यूज़ होती है बाई विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन नेविगेशन ए साउंड फाइल कैन बी एडिट टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन वर्ड टू थाउजेंड थ्री एंड प्रायर वर्जन तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो दो हज़ार तीन और उससे पहले के वर्जन थे उसमें साउंड फाइल को कैसे ऐड किया जाता है तो यहां पे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन साउंड या इंसर्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट सब्जेक्ट मेन्यू या इंसर्ट फाइल मेन्यू तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू ठीक है और अगर अभी बाद के अभी के जो लेटेस्ट वर्जन है उनकी अगर हम बात करें तो इंसर्ट टैब देन उसके बाद आपका टेक्स्ट ग्रुप रहेगा एंड देन ऑब्जेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट एट मोस्ट एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो उसमें मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हो 45, 50, 63 या 65? तो 63 कॉलम्स हम एक टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड की यहाँ पे बात हो रही है वट आर द साइज ऑफ फॉन्ट अवेलेबल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार जो आपके फोन साइज की विंडो होती है ना उसमें आपने देखा होगा कि साइज आपको रिप्रेजेंट होता है तो उसमें सबसे स्मोलेस्ट और मैक्सिमम कितना साइज होता है तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट आपको एट मिलेगा एंड मैक्सिमम आपको सेवेंटी टू मिलेगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है हाउ टू इम्प्लीमेंट पेज ब्रेक्स इन ए डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग एंटर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द पेज ब्रेक टैब इन द इंसर्ट ऑप्शन पुट द कर्सर एट द एंड ऑफ द पेज एंड देन क्लिक एंटर ऑल ऑफ द पेज ब्रेक क्या होता है पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जहां पे भी आपका कर्सर है वहीं से आपका पेज page दो पेजेस में डिवाइड हो जाए यहाँ पे आपका कर्सर है तो इससे ऊपर वाला एक पेज हो जाएगा नीचे वाला दूसरा पेज बन जाएगा यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो न्यू पेज में चला जाएगा तो पेज ब्रेक आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो बाय प्रेसिंग एंटर एंटर प्रेस करने से तो आप न्यू लाइन में आ जाओगे बाय प्रेसिंग द पेज ब्रेक टैब इन द इंसर्ट ऑप्शन तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ठीक है पुट दी कर्सर एट दी एंड ऑफ द पेज एंड देन क्लिक एंटर तो इससे भी क्या है न्यू पेज तो आएगा लेकिन पेज ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे बात किसकी हो रही है पेज ब्रेक की हो रही है एंड यहाँ पे भी अगर आप बाय प्रेसिंग एंटर एट दी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट करोगे तो ये भी आपको न्यू पेज में लेके जाएगा लेकिन न्यू पेज में जाना और पेज ब्रेक से आपके पेज को स्प्लिट करना ये दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पे सिंपली मैंशन है कि पेज ब्रेक को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कि आप न्यू पेज में कैसे जा सकते हो तो आप न्यू पेज के तीनों ऑप्शन हो जाता है लेकिन पेज ब्रेक की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा डिफाइन मैक्रो मैक्रो क्या होते हैं मैक्रो होते हैं कि जो भी आपके बार बार होने वाले टास्क है आप उनको रिकॉर्ड कर दो ठीक है एंड फिर आप उस मैक्रो को यूज करते रहो आपको वही टास्क बार बार में नहीं करने पड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है

कंटेंट यहीं तक है तो आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉलम की ये जो विड्थ है वो यहाँ तक आ जाए मतलब एक्स्ट्रा जितनी भी स्पेस है वो रिमूव हो जाए ये क्या है आपका ऑटो फिट होता है डबल क्लिक द लेफ्ट एज ऑफ द कॉलम राइट क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम सेल्स क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम हैडर बोथ ए एंड सी तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा डबल क्लिक द लेफ्ट एज ऑफ द कॉलम A document's typeface can be changed by selecting the following menu item. ये जो menu की बात होती है ना तो इसका मतलब ये पहले वाले versions की बात कर रहा है क्योंकि अभी के जो version है उनमें menu नहीं होते उनमें ribbons होते हैं तो यहाँ पे कौन सा menu आप use करते जिससे कि document का जो type face है वो change हो जाता है Edit, View, Tools, Format तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हो तो चेंज आपका हमेशा फॉर्मेट टूल बार में ही होता था तो फॉर्मेट आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्वेंटी एमसीक्यूज़ थे जो हमने डिस्कस किए नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर करना ठीक है थैंक यू